बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक है रौफियत और अपने घरों में खुशो आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, मैं एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो नक्शा डिस्कस करेंगे वो है तीन मल्ले पर मुश्तमिल, यानी तीन मल्ले का ये एक खूबसूरत सा घर का नक्शा है, जिसमें आज हम इसके डबल फ्लोर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसमें हर चीज डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा विद डिमेंशन, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर चीज डिटेल के साथ समझ में आ सके। तो चलिए जी, इस प्लान को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें साइज। साइज जो हमारे पास इसमें आने वाला है प्लॉट का, वो है तकरीबन 21 फीट बाय 37 फीट। 21 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 37 फीट ही हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और एरिया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका हमारे पास आ जाएगा तकरीबन तीन मरले। तीन मरले का ये एक खूबसूरत सा घर का नक्शा है और ये एरिया हमारे पास 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से आएगा। तो चलिए इसको शुरू से करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आने वाले ग्राउंड फ्लोर प्लान की, और मेन इंटरेस्ट हमें मिल जाएगी इधर वाली साइड से, यानी कि कारपोर्ट हमारे पास इधर वाली साइड पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इधर वाली साइड पे भी लाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको जस्ट मिरर करके इधर वाली साइड पे भी कारपोर्ट लेके आ सकते हैं। तो मेन इंटरेस्ट हमें मिल जाएगी इधर वाली साइड से, और इसमें हमारे पास आ जाएगा एक अदद सिंगल गेट, यानी कि इसमें आपको एक बड़ा गेट ही मिल जाएगा। इसमें ये आपका छोटा होगा और बड़ा होगा। तो जैसे ही आप इस गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एक अदद कारपोर्च। कारपोर्च का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 14 फीट। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि आपको इसमें छोटी गाड़ी का गैराज मिल जाएगा, छोटी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ इसमें पार्क हो सकती है। राइट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगा, 3 फीट वाइड का और पैसेज मिल जाएगा। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 3 फीट। 5 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बाथ आपका ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। तो जैसे ही आप मजीद अंदर की तरफ चलेंगे तो एक स्टेप्स के बाद आपको राइट साइड पे मिल जाएगी एंट्रेंस ड्राइंग के लिए, यानी कि आपको गेस्ट वगैरह ठहराने के लिए एक अदर ड्राइंग देखने को मिल जाएगा। और ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट 3 इंच बाय 10 फीट। 10 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 10 फीट की हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने विंडो दे रखी है इधर साइड पे, लेकिन अगर आप चाहें तो विंडो इसको इधर साइड पे भी दे सकते हैं। इसी के साथ स्टेयर की बात करें तो हमारे पास स्टेयर ऊपर जाने के लिए मिल जाएंगी आपको कारपोर्ट में, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और स्टेयर का साइज हमारे पास वही स्टैंडर्ड जो चलता आ रहा है, यानी कि 3.5 फीट वाइड में आ जाएगा। इसके साथ जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस, जो कि तकरीबन 4 फीट वाइड में आपको मेन डोर मिल जाएगा। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदर टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 9.3 इंच। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, 9.3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जबकि टीवी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में हमने दे रखा है एक आर्च, एक ओपन स्पेस दे दी है, जिसमें आप स्लाइडिंग डोर या कर्टन वगैरह लगा के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसको मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकते हैं। तो इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक किचन, काफी अच्छे साइज का हमको इसमें एक किचन मिल जाएगा। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 9 इंच। 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 7 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तीन मल्ले की कैटेगरी में आपको बहुत ही अच्छे साइज का इसमें किचन देखने को मिल जाएगा। तो इसके साथ हमें मिल जाएगा पीछे की तरफ एक कदम बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 12 फीट 6 इंच। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक कदम अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट 8 इंच बाय 6 फीट। 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट हमारे पास ये तकरीबन लंबाई रूप आ जाएगा। जबकि इन तमाम चीजों को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने सेंटर में दे रखा है एक पैशियो। पैशियो का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट 8 इंच बाय 3 फीट 6 इंच। 7 फीट 8 इंच जैसा कि हमारे पास बांस की चौड़ाई आ गई, वैसे ही हमारे पास इस पैशियो की चौड़ाई आ गई और हमारे पास लंबाई आ गया ये तकरीबन 3.5 फीट वाइड में। इसमें आपकी तमाम विंडोज और वेंटिलेटर ओपन हो जाएंगे, जिससे आपको अंदर रोशनी वगैरह हवा वगैरह मिलती रहेगी। इसके अलावा मैंने डोर्स के जो स्टैंडर्ड साइज है वो भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके और आपको स्टैंडर्ड जो डोर चलते आ रहे हैं उनका मुकम्मल तौर पर पता चल जाए। तो अब चलते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और करते हैं इसको एक बार फर्स्ट फ्लोर को डिटेल के साथ डिस्कस। फर्स्ट फ्लोर में आपको स्टेयर जो है वो इधर से ऊपर की तरफ लेके आएंगी और स्टेयर आपको इधर लाके छोड़ेंगी। इसके सामने जो आपको जगह मिलेगी वो तकरीबन 4.5 फीट वाइड में मिलेगी और साथ ही आपको मिल जाएगा एक स्टेयर हाल। स्टेयर हाल का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आप सीटिंग वगैरह के लिए छोटे मोटे सोफे वगैरह रख सकते हैं। जबकि स्टेयर को अगर निकाल लिया जाए तो हमारे पास जो ये वाली जगह बचेगी वो तकरीबन 6.5 फीट वाइड में आ जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट 3 इंच बाय 10 फीट। 10 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 10 फीट की हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक बाथ, अटैच बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा
5 फीट बाय 4 फीट 6 इंच, 5 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इन तमाम चीजों को हमने वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए बाहर की तरफ दे रखी है विंडो, जिससे आपको बाहर की तरफ घर का एलिवेशन भी बहुत ही खूबसूरत मिल जाएगा। तो मजीद पीछे की तरफ चाहे तो हमारे पास एक चैम्बर कंडीशन में मिल जाएगी, इसमें मेन एंट्रेंस जो कि तकरीबन 3.5 फीट वाइड में है, और इसके सामने भी आपको मिल जाएगा टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 8 फीट 3 इंच, 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 8 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी हमें सेम जो है नीचे वाला ही ऊपर किचन मिल जाएगा, जिसका साइज भी हमारे पास तकरीबन सेम ही आ जाएगा 7 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 9 इंच, 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 7 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। पीछे की तरफ आपको नीचे की तरह ही मिल जाएगा एक बेडरूम और साथ में मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और सेंटर में हमें नीचे वाला पैशू ही ऊपर आ गया, यानी कि इससे हमें रोशनी और हवा वगैरह मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। मेन एंट्रेंस आपको इधर वाली साइड में मिल जाएगी और सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एक कारपोर्ट, छोटी गाड़ी का कारपोर्ट मिल जाएगा, और राइट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी, और एक बाथ मिल जाएगा जो कि इस ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। और पीछे चले तो हमारे पास एक स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी एंट्रेंस राइट साइड पे ड्राइंग के लिए, और सामने की तरफ आपको मिल जाएगी टीवी लाउंज के लिए, या मेन एंट्रेंस भी आप इसको कह सकते हैं। लेफ्ट राइट साइड पे आपको मिल जाएगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएगी। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदर टीवी लाउंज, और सामने की तरफ आप हमारे पास आ जाएगा एक अदर बेडरूम विद अटैच बाथ, और इधर साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर किचन, और सेंटर में हमने दे रखा है इसमें एक अदर पैशियो। ऊपर चले तो हमारे पास जो स्टेयर आ रहा है वो इधर साइड पे आ जाएगा, और इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर बेडरूम। ये वाला बेडरूम को एक्सेस हमने बाहर की तरफ से दी है, तो इसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं, जबकि इधर से मजीद ऊपर की तरफ जाते हुए हम इसकी तमाम छत को ऊपर यूज करेंगे, ऊपर वाले फ्लोर को। तो बाहर की तरफ हमने दे रखी है छोटी मोटी डिजाइनिंग, जिससे आपके घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न किस्म का बाहर से नजर आएगा। तो इधर वाली साइड पे हम मजीद अंदर की तरफ एंटर होंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर टीवी लाउंज, और पीछे की तरफ हमारे पास सेम नीचे वाले ही बेडरूम और बाथ और किचन आ गए। तो ये था मेरा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया एक अदर घर का नक्शा। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस नक्शे से काफी अच्छे आइडियाज देखने को मिले होंगे। मेरी वीडियो के मुताबिक कोई भी सजेशन जो है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको काफी ज्यादा ऐसी वीडियो जो है फ्यूचर में मिलने वाली है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।